देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मानसून की मेहरबानी के बाद एक बार फिर से गर्मी ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है। बीते 48 घंटे में प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहने के चलते दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही उमस ने भी लोगों को सताना शुरू किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश में मिला जुला मौसम रहने के साथ ही 17 जुलाई के बाद फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण लगातार सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अब इन कार्रवाइयों को और तेज किया जाएगा। अब जेडीए के एक्शन प्लान के तहत 15 दिनों तक शहर की अलग अलग सड़कों के आसपास के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। जेडीए ने 15 दिन तक चलने वाली इस मुहिम को अतिक्रमण हटाओ अभियान का नाम दिया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर आज सुबह हिंगोनिया गौशाला पहुंची। गौशाला पहुंचकर महापौर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही मौके पर व्यवस्थाओं को सुधारने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान महापौर ने खुद हर जगह का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सौम्या गुर्जर ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हिंगोनिया गौशाला में पेड़ भी लगाया। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन NSUI की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी में पुलिस की सख्ती भी देखने को मिली। नारेबाजी करते हुए जब छात्र नेता गेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे तो पुलिस प्रशासन द्वारा यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर छात्रों को अंदर ही रोक दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट पर ही अपना धरना शुरू कर दिया। आज राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष स्पीकर अमजूली ने बजट की योजनाओं का मुद्दा उठाया, जिस पर खूब हंगामा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि जूली ने स्पीकर से सरकार को पाबंद करने की मांग कर दी और फिर सदन में संविधान बचाओ के नारे गूंजने लगे। इस हंगामे के बीच जूली ने स्पीकर से पूछा कि वो बजट की योजनाओं को पास कराने के लिए मतदान क्यों नहीं करवा रहे। शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विरोध लगातार जारी है। राजस्थान युवा शक्ति बेरोजगार संघ अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में आज नागौर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। मनोज मीणा के नेतृत्व में नागौर की सड़कों पर विशाल रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों युवा बेरोजगार मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद मनोज मीणा के नेतृत्व में नागौर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री का नाम का ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान बहरोड विधायक ने सरकार से बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा उठाया और सरकार से पूछा कि जिन वृद्धों की लिस्ट में होने के बाद भी पेंशन नहीं मिल पा रही, उन्हें मदद के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, सरकार ने इस दिशा में क्या प्लानिंग की है, क्या उन्हें लाभ मिल भी पाएगा या नहीं, और जिनकी वजह से उनकी पेंशन अटकी उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है। वीट 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स ने दलाल ब्रह्मराम को डमी कैंडिडेट बैठाकर पहले शिक्षक की नियुक्ति प्राप्त की और फिर प्रमोशन लेकर हेडमास्टर बन गया। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर चल रही CBI जांच में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई 22 जुलाई तक के लिए टाल दी है। इस मामले में BRS नेता के कविता अभी भी न्यायिक हिरासत में है। अगली बहस तक सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के डूसू ऑफिस में NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ के मामले में ABVP ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक कमेटी गठित की है जो NSUI के खिलाफ जांच करेगी। NSUI पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में तोड़फोड़ करने और प्रभु श्री राम की मूर्ति तोड़ने के आरोप लगाया। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।